तो दोस्तों कल 15 अगस्त के दिन पर जो ऋतिक रोशन की अगली आने वाली फिल्म है जिसका नाम फाइटर है उसका एक छोटा सा प्रोमो वीडियो रिलीज किया है। अब देखो ये वीडियो हार्डली 1 मिनट का भी नहीं है तो उस वजह से इसके ऊपर बात करें ऐसा बहुत कुछ वैसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें इस मूवी या फिर वीडियो से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग है उस पर बात करना तो बनता है। जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है इस फिल्म की कास्टिंग जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, तो इसकी कास्टिंग सच में काफी जबरदस्त है और सिर्फ इस एक रीजन की वजह से पहले से लोग काफी एक्साइटेड होंगे इस मूवी को देखने के लिए। और देखो सिर्फ इस एक रीजन की वजह से नहीं, और जो दूसरा रीजन आता है वो है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ आनंद, जिनके अगर हम पिछली कुछ फिल्मों को देखें तो वो आती है पठान, वॉर, बैंग बैंग, और इनमें से एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। और देखो जब से उन्होंने पठान को डायरेक्ट किया है ना तब से मतलब काफी लोग और भी उन्हें जानने लगे, मतलब कि वो ऑडियंस जो डायरेक्टर के नाम पर फिल्में देखने जाती है, जैसे कि राजामौली के नाम पर कोई लोग फिल्म देखने जाते हैं वैसे टाइप में। हाँ तो वो भी ऑडियंस अब इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। और देखो ऋतिक रोशन के साथ मिलकर इन्होंने पहले भी 2 फिल्में कर चुके हैं तो हाँ उस वजह से ऑडियंस ऋतिक रोशन से क्या चाहती है ये इनको काफी अच्छे से पता है। तो हाँ उस वजह से फिल्म को देखने के लिए अब मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनकी दोनों की जोड़ी काफी जबरदस्त है। और देखो इन दोनों के बाद भी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो बजट है वो 250 करोड़ है। अब देखो ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है, लेकिन हाँ अब वो हाल फिलहाल में हम जो मूवीज के बजट सुनते हैं 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, तो हाँ उसके सामने कहीं ना कहीं कंपेयर करने जाओगे तो कहीं छोटा ही लगेगा, लेकिन हाँ एक अच्छी फिल्म बनकर तैयार हो सके इतना तो बजट इसका है ही। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि ये किस टाइप की मूवी है, क्योंकि देखो जब से आपने इसका नाम सुना होगा या फिर इसका वीडियो देखा होगा तो एग्जैक्टली किस टाइप की मूवी है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैं बता दूं कि एक एरियल एक्शन फिल्म है, जैसा कि आपने मतलब टॉप गन मैवरिक में देखा होगा तो कुछ उसी टाइप की होगी, लेकिन एक अपनी अलग स्टोरी के साथ। तो हाँ और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि इस मूवी से रिलेटेड इसके डायरेक्टर ने ऐसा कहा है कि ये जो मूवी होने वाली ये 70 से 80% जो मूवी है वो हवा में रहने वाली है। जैसा कि मतलब आपने एग्जांपल के लिए बेस्ट कहूँ तो गाइस टॉप गन मैवरिक देख लो तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि मूवी किस टाइप की होने वाली है। तो आप उसी टाइप में होने वाली है, जो मूवी का 70 से लेके 80% हिस्सा है वो हमें हवा में देखेगा, मतलब फाइटर प्लेन्स, उनके बीच की फाइट्स, तो हाँ वो सब देखने में काफी मजा आएगा। लेकिन हाँ एक चीज जो मतलब मैं उस देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि जो सारे मतलब ये फाइटिंग सीन्स हो गए या फिर हवा में जो सीन्स देखेंगे हम तो उसके जो VFX होंगे या फिर जो मतलब वो सारे सीन्स क्रिएट कैसे किए जाएंगे वो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसमें इसका जो बजट है वो 250 करोड़ है, लेकिन हमें तो पता ही है कि 250 करोड़ में से इतने बड़े बड़े मतलब स्टार कास्ट लिए हैं इन्होंने, तो फीस वगैरह बाकी सारे चीज़ों को मिलाकर इन सभी चीज़ों पर मतलब एक सर्टन अमाउंट कैसे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट हमें कैसे देते हैं ये तो देखना बनता ही है। लेकिन हाँ गाइस इसका जो म्यूजिक था इस वीडियो में, प्रोमो वीडियो में, वो काफ़ी अच्छा था, वंदे मातरम वाला, और मतलब बाकी ऐसी 3-4 ही चीज़ें थी इसमें बात करें ऐसी, बाकी तो अब जब टीजर ट्रेलर आएगा उस पर बात करेंगे। हाँ बाकी आप इस मूवी को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।